हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन की ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपको ऐसे दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप अपने बैक पेन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीव कर सकते हो। और दोस्तों, यह दो पॉइंट ढूंढना, उनको लोकेट करना भी बहुत ही आसान है और वह दो पॉइंट आप अपने हाथों में ही फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, यह दो पॉइंट आपको जब भी आपको बैक पेन का एकदम से एटेक आता है, बैक पेन एकदम से शुरू हो जाता है, कमर में कोई जगह पे स्ट्रेन आ जाता है, उसी वक्त अगर आप तुरंत ही यह दो पॉइंट को 2 से 5 मिनट के लिए दबा दोगे, आपको तुरंत ही मेडिसिन जैसी इफेक्ट मिल जाएगी, तुरंत ही आपको बैक पेन में फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह दो पॉइंट के साथ जब भी आप यह दो पॉइंट दबा रहे होते हैं, उसके साथ आपको कमर की हल्की हल्की एक्सरसाइज भी शुरू रखनी है। जैसे कि ऐसे आगे पीछे आप कमर को हिला सकते हो, या तो फिर ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट कर सकते हो, या तो फिर ऐसे साइड में आप कमर को ऐसे हिला सकते हो, और इनके साथ आपको पॉइंट को दबा के रखना है। तो फिर जान लेते हैं कि यह दो पॉइंट कौन से हैं। दोस्तों, पहले अपने यह दो पॉइंट आपके हाथ के पीछे की साइड मिलेंगे। पहला पॉइंट आपको फर्स्ट जो हमारी इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है उनके बीच में मिलेंगे। इस तरीके से आपको इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के हाथ बीच में अपने हाथ को ऐसे उंगली को नीचे ऐसे ले जाना है। जहाँ पर यह दो हड्डी एक दूसरे से मिल जाती है, वहाँ पर आपको ऐसे खड्डा जैसा मिलेगा और यह डिप्रेशन में ही आपका पहला पॉइंट बैक पेन का मिल जाएगा। दोस्तों, यह दो फिंगर का जो हड्डी है वह हड्डी के बीच में आप जैसे देख सकते हो कि एक दो मसल उभर के आएंगे, तो इनके बीच में ही आपको पहला पॉइंट मिलेगा। इनके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह हमें जो हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की जो दो हड्डी होती है इनके बीच में, वहाँ पर जिस जगह पे यह दो हड्डी एक दूसरे से मिल जाती है वहाँ पर आपको एक खड्डा मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, और यह डिप्रेशन ही हमारा दूसरा पॉइंट है बैक पेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो दोस्तों, यह दो पॉइंट हमें मिलेंगे, पहला यह दो फिंगर के बीच में, दूसरा यह दो फिंगर के बीच में हमें मिलेगा। तो यह दो पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से दबाना है 2 से 5 मिनट के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार, फिर आप ऐसे दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, पंपिंग करना है, फिर आप दबा के इनको रख सकते हो 2 से 5 मिनट के लिए। इस तरीके से दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से दबाना है। अभी क्या करना है, जब भी आप फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट को दबा रहे हो, उसी वक्त आपको दबा के आपको कमर को ऐसे हिलाना है, उनकी एक्सरसाइज करनी है, ट्विस्टिंग करना है, आगे पीछे घुमाना है। ऐसे आप बैठ के भी कर सकते हो, या तो फिर खड़े होकर भी कर सकते हो, या तो यह पॉइंट को दबा के आप चल फिर सकते हो, ताकि आपको बैक पेन में तुरंत ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आपको दूसरे पॉइंट को दबाना है और अपने कमर की एक्सरसाइज को करना है। तो दोस्तों, यह दो पॉइंट को आप दबाओगे तो तुरंत ही आपके कमर के दर्द में फायदा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको खास यह ध्यान में रखना है कि यह दो जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ वह कमर का परमानेंट इलाज नहीं है, पर जब भी आपको एक्यूट बैक पेन होता है, यानी कि बैक पेन तुरंत होता है और एकदम से ज़्यादा बैक पेन आपको होता है, सुबह उठ के आपको बैक पेन हो जाता है, या तो कोई जगह पे आपने एकदम से झुक लिया, भारी वजन उठा लिया और आपके कमर में झटका आ गया, उसी वक्त अगर आप यह दो पॉइंट को दबा दोगे तो तुरंत ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और इनके साथ आपको रेगुलर नियमित एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, और इनके साथ बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको भी दबाना ज़रूरी है, ताकि पूरी तरीके से रूट कोज इलाज आपका बैक पेन का हो जाए। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।